नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के टॉप 10 फेमस गार्डन्स यानी बगीचे के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 10 पर है परी महल गार्डन। यह गार्डन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, जिसे परियों की जगह भी कहा जाता है। यहाँ पूरे 7 गार्डन हैं जो कि एक के बाद एक सीरीज में है। यहाँ ज़्यादातर लोग इस महल को भी देखने आते हैं, क्योंकि इस महल के टॉप से पूरे श्रीनगर सिटी का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। नंबर 9 नसीम बाग। यह काफ़ी पुराना मुगल गार्डन है, जो कि श्रीनगर सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत से चिनार के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा दृश्य है, जो कि मन को खुश करने वाला है। यहाँ की चलने वाली ताज़ी हवाएं इस गार्डन को बहुत प्योर बना देती हैं। नंबर 8 पर है निशात बाग। यह भी एक मुगल गार्डन है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। यह गार्डन डल झील के पूर्वी यानी ईस्टर्न साइड पर है। इसे आप गार्डन ऑफ जॉय भी कह सकते हैं। इस गार्डन के बीच काफ़ी पानी के फुहारे लगे हुए हैं। इस गार्डन को आसफ खान ने 1633 ईस्वी में डिज़ाइन किया था, जो कि नूर जहान के भाई थे। इस गार्डन में हर जगह गुलाब के फूल लगे हुए हैं, जहाँ बहुत से कपल भी आते हैं और यहाँ बहुत से परिवार भी आते हैं। नंबर 7 शालीमार बाग गार्डन। दोस्तों ये एक मुगल गार्डन है, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे शालीमार गार्डन भी कहा जाता है। इस गार्डन को शाहजहां ने अपनी पत्नी नूरजहान के लिए बनवाया था, जो कि 1619 में बनवाया था, लेकिन अब ये एक पब्लिक पार्क है जहां बहुत से लोग आते हैं। नंबर 6 टूलिप गार्डन। यह गार्डन डल झील के किनारे है, जहां बहुत से रंग बिरंगे टूलिप के फूल लगे हुए हैं। यह गार्डन मई और जून के समय काफ़ी रंग बिरंगा दिखता है। इस गार्डन का पूरा नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन है। यह गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है। इस गार्डन को 2007 में ओपन किया गया था। नंबर 5 पर है बादामवाड़ी गार्डन श्रीनगर। यह गार्डन नेचर लवर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ बहुत से बादाम के पेड़ भी लगे हुए हैं। यह जगह फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी अच्छी लगती है, और यह जगह खासतौर पर तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब स्प्रिंग का सीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पेड़ों पर छोटी छोटी फूलों की कलियाँ खिल जाती हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग अप्रैल के महीने में आते हैं। नंबर 4 पर है हरवान गार्डन श्रीनगर। यह गार्डन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गार्डन एक नेचुरल गार्डन है, जहां काफ़ी लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इस गार्डन के पीछे हरवान झील है, जो कि इस गार्डन की खूबसूरती बढ़ा देती है। इस गार्डन के किनारे पर काफ़ी बड़े बड़े चिनार के पेड़ लगे हुए हैं, जिससे कि यह गार्डन बहुत ही सुंदर दिखता है। नंबर 3 पर है वेरीनाग मुगल गार्डन। दोस्तों ये भी एक मुगल गार्डन है, जो कि टूरिस्टों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यह गार्डन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। यह गार्डन बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा गया है। यह गार्डन पीर पंजान रेंज के पास है। यहाँ बहुत बड़े बड़े और पुराने चिनार के पेड़ हैं, जो कि इस गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। तो नंबर 2 पर हमारे पास है चश्मे शाही गार्डन। यह एक मुगल गार्डन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। यह गार्डन 1 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने बनवाया था। यह गार्डन जबरवान रेंज के पास है। यह गार्डन ज़्यादातर इसलिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश वाटर होकर गुजरता है। यहाँ से डल झील का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा दिखता है। दोस्तों नंबर 1 पर है हमारे पास अचबल गार्डन। अचबल गार्डन बहुत ही सुंदर गार्डन है, जो कि कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। यह गार्डन मुगल स्टाइल वाला है, जिसका नक्शा काफ़ी आकर्षक है। यहाँ चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि इस बगीचे को बहुत हरा भरा बना देते हैं। दोस्तों अगर आपका कभी यहाँ आने का प्लान बने, तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय ऑटम यानी पतझड़ का होता है, क्योंकि इस समय चिनार के पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।